वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्णा जय गौ माता। दोस्तों श्री कृष्ण ने बताया कि गाय को रोटी खिलाने से और हल्दी खिलाने से मनुष्य के अंदर होते हैं ये फायदे। आज हम शास्त्रों के अनुसार जानेंगे कि गाय को रोटी खिलाने से क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पशु और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अब बात आती है कि गाय को रोटी खिलाने का इतना महत्व आखिर क्यों है। आपको बता दें क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अब जब बात भोग लगाने की आती है तो अगर रोज ही 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के जरिए भोग लगाया जा सकता है तो आप ही बताइए कि इससे बड़ा पुण्य लाभ क्या हो सकता है कि हम पहले गाय के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, फिर घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार गऊ का तो मूत्र भी सेवन किया जाता है जिसे गोधन के नाम से पुकारते हैं। गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिन घरों में गाय पाली जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही कई सुखों को भोगती है, अर्थात इतना पुण्य फल मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार का सभी सुख प्राप्त करती है। अगर आप गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गाय को गुड़ खिलाएं तो गाय हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी गाय को कभी भी गुड़ नहीं खिलाया जाता। दोस्तों खासकर सोमवार के दिन शिवजी की पूजा के बाद भोग लगाए गाय को कुछ ना कुछ सफेद चीज का तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है, इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाइए और गाय को दो रोटी खिला दें, इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है जिसके कारण व्यक्ति माला माल हो जाता है, माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है, व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों अब एक परेशानी ये आती है कि शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम होने के कारण गाय को रोटी खिलाने में जैसी भी परेशानी आती है उसके लिए एक उपाय है। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ गेट कीपर तो जरूर होगा, आप पहली रोटी बनाकर उस गेट कीपर को जरूर दे दें। जरूरी नहीं होता कि आप अपने हाथ से ही गाय को रोटी खिलाएं, आपके घर से तो रोटी का भाग निकल ही गया, इसीलिए आप गाय को रोटी गेट कीपर के द्वारा दे दें। जब गेट कीपर गाय को रोटी खिलाएगा तो गाय आना आपके घर पर शुरू कर देगी, क्योंकि नियमित रूप से जिस घर से गाय को रोटी खिलाई जाती है गाय अपने आप ही उस घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। फिर जब गौ माता आना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि गेट कीपर से उसके आने का समय पूछ ले, फिर उस समय जाकर गाय को रोटी खिला दे। दोस्तों एक बार जब आप अपने हाथों से गाय को रोटी खिला देंगे तो जरूर आपका वो भोग लेने लगेगी। गाय एक निश्चित समय पर आकर सबके द्वार पर अपना भोग ले लेती है, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है पर गौ माता घर की चौखट पर आती जरूर है और गाय दरवाजे पर आकर जोर जोर से पुकारती भी है ताकि आप उसे रोटी खिला दें। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि गौ की सेवा सिर्फ मजबूरी में ना करें बल्कि माता की पूजा व सेवा पूरे दिल से करें। गौ माता को पूरे दिल से आप पूजें। दरअसल इसके पीछे एक बहुत प्रचलित कथा भी है। दोस्तों एक बार एक महिला जब गाय को रोटी खिला रही थी तो गाय ने केला देखकर मुंह मोड़ लिया। महिला ने गाय के सामने जाकर फिर उसके मुंह में केला देना चाहा लेकिन गाय ने केला नहीं खाया, पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ी थी।
जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने को हुई। महिला डरकर बिना केला खिलाए वहां से चली गई। महिला के जाने के बाद पास खड़े सांड ने पूछा, वो इतने प्यार से केला खिला रही थी, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा क्यों दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी थी, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहती है, वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चली जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है। प्रेम से सूखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है, जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। प्रतिदिन सभी सनातनी बंधु अपने घर से पहली रोटी गौ माता को जरूर खिलाएं और पूरे दिल से गौ माता की सेवा करें, मन से गौ माता को आप रोटी खिलाइए, आपको पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत ही पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है और मैंने आपको बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। दोस्तों, गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाएंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं, इतना ही नहीं आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट ना जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट कलह दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में हमेशा अशांति व लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाइए। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौटाएंगी। अगर आपके मन में किसी दुर्घटना को लेकर भय है तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। दान करने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसा 5 मंगलवार और शनिवार करें। ऐसा करने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। जिनकी जल्द विवाह की कामना है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये उपाय करें। ऐसे व्यक्ति गुरुवार को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाइए। इसके साथ गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी गाय को लगाएं। अगर आपको भी अच्छी नौकरी की तलाश है तो साक्षात्कार देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाएं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप अपना मकान या दुकान चाहते हैं और ऐसा काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप 3 उपाय करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरा उपाय है कि रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा होगा। छाया किस तरह से दान की जाती है, चलिए ये भी बता दें। इसके लिए आपको किसी मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल रखकर उसमें अपनी छाया को देखकर किसी मंदिर में वो तेल दान देना है। इस उपाय को करने से शनि संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।